तो आज भी हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे आपका 8085 डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, राइट। हमने पहले पहले की क्लासेस में हमने देख लिए थे 8085 में डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कुछ देखे थे हमने, ठीक है। तो जो बाकी के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं अब वो हम देखेंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो जो अब जो पहला हम देखने वाले हैं ये क्या आपका 11th नंबर है। इससे पहले हमने 10 आपके इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे। अगर आपको कहीं लिखा मिलता है, अगर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है SHLD, ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब क्या है आपको बताओ। ये इंस्ट्रक्शन अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो क्या होगा कि आपको क्या करना होगा इसमें, एग्जाम्पल SHLD, ठीक है, यहां पे क्या है 3215, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपका बताओ कि जो भी ये 16 बिट जो एड्रेस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो यहां पे अगर हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका कंटेंट होगा कोई भी रजिस्टर का, यहां पे क्या होता है SHLD और यहां पे क्या होता है आपका 16 बिट एड्रेस होता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रजिस्टर L है ये क्या हो जाएगा आपका HL पेयर में इसका ऑपरेशन होगा। तो जो रजिस्टर L में जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे जो 16 बिट जो एड्रेस होगा स्पेसिफाइड होगा उस एड्रेस लोकेशन पे आपका जो L में कंटेंट होगा वो क्या स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके मान लो यहाँ पे कितना एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, और उसके बाद जो H है, ठीक है, एच का कंटेंट कहां पे चला जाएगा, जो भी एड्रेस दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे एक से इंक्रीमेंट कर देंगे और वहां पे जो आपका एच वाला है वो वहां पे स्टोर हो जाएगा कंटेंट, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे ये आपका वर्क करता है, राइट। देखो सपोज मैंने क्या लिखा SHLD, ठीक है, क्या मैंने ले लिया यहां पर 4050H, ठीक है। तो अब देखो अब जो आपका H है और कौन सा है आपका L है रजिस्टर, तो H में पहले आपका क्या स्टोर था, यहां पे लिख देती हूं मैं बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर मतलब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले H में मान लो आपका क्या स्टोर है B स्टोर है और L में क्या स्टोर है आपका A स्टोर है, ठीक है। ये आपको एड्रेस लोकेशन दिया हुआ है 4050, ठीक है, यहां पे क्या स्टोर है, सपोज यहां पे आपका क्या स्टोर है 11 स्टोर है, ठीक है, और 4051 यहां पे आपका क्या स्टोर है 22 स्टोर है, ठीक है। तो जैसे क्या करते हैं, जैसे ही हम आपके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा जो भी आपके L में जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो इस एड्रेस लोकेशन पे क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा जो भी आपका एड्रेस है ये वाला यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें क्या कर दोगे आप 1+ करोगे तो क्या आ जाएगा 4051, वहां पे क्या हो जाएगा आपका जो ये H वाला कंटेंट है वहां पे वो कॉपी हो जाएगा और ये जो आपका जो दोनों जो डेटा है वो अब क्या होगा आपका एज इट इज ही रहेगा, समझ गए। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये डेटा इरेज होके अब क्या हो गया आपका 4050 लोकेशन पे आ गया AA आ गया और 4051 पे क्या आ गया BB आ गया, समझ गए। तो अगर हमें क्या करना होगा HL पेयर में कोई कंटेंट है अगर आपको किसी एड्रेस लोकेशन पे उसे क्या करना है स्टोर करना है तो देन यू हैव टू राइट SHLD, ठीक है, और 16 बिट एड्रेस आपको लिखना होगा, समझ गए समझ गए। तो अगर आपको आता है SHLD और कोई एड्रेस लिखा हुआ आता है तो ये कितने आपका कितने बाइट का हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, समझ गए, आ गया समझ यहां पे। तो ये था आपका अगर आप किसी HL पेयर के कंटेंट को किसी मेमोरी लोकेशन पे आप क्या करना चाहते हो कॉपी करना चाहते हो देन यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट SHLD, राइट, ये हो गया। उसके बाद जो हम स्टेटमेंट देखेंगे वो कौन सा है, तो अब हम क्या देखेंगे आपका जो आपका नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो क्या आपका क्या है XCHG, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है।
अगर ये आपको लिखा आ रहा है तो आपका क्या होगा, इसमें ऑपरेंट नहीं होगा, राइट। सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखना होगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऑपरेंट नहीं होता है, तो क्या होगा इसमें आपका एक्सचेंज एच एन एल विथ डी एन ई, ठीक है। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हो एच सी एच जी, तो क्या होता है कि जो भी आपका एच और एल में जो भी कंटेंट है वो डी और ई के कंटेंट से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही स्टेटमेंट लिखते हो आपको ऑपरेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आपका जैसे ही स्टेटमेंट लिखते हो तो आपका कंप्यूटर समझ जाता है कि किन दो रजिस्टर पेयर के बीच में ऑपरेशन करवाना है, एच एल पेयर और डी पेयर के बीच में, ठीक है। तो क्या करेगा वो कि जो एच में जो भी एच एल में जो भी कंटेंट है वो कहां किससे एक्सचेंज कर देगा, डी के कंटेंट से एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो देखो तो आपका क्या होता है इसमें कि जो आपका एच का कंटेंट होता है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एच आर एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर डी, ठीक है। जो एच में जो भी कंटेंट है वो रजिस्टर डी से आपका एक्सचेंज होता है, और एल में जो भी कंटेंट है वो रजिस्टर ई से आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आपको जब भी ये इन दोनों रजिस्टर के बीच में इन दोनों रजिस्टर का डेटा जब आपको एक्सचेंज करना होगा, देन यू हैव टू राइट एक्स सी एच जी, समझ गए। बस आपको ये स्टेटमेंट लिख देना होगा और जो भी डेटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा इन दोनों रजिस्टर पेयर के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें क्या आपका सिर्फ ऑपकोड है, ऑपरेंट वगैरह नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे वर्क करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एच एल है, ठीक है, और डी है। एग्जीक्यूशन के पहले अगर आपने क्या ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट किया, तो उससे पहले मान लो कि जो आपका रजिस्टर एच एल है उसमें क्या 1122 और इसमें क्या है 6757, ठीक है, ये मान लिया। जैसे हम ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं आपका एक्स सी एच जी, तो क्या होता है कि ये जो आपका एच, देखो यहां से आपका एच में क्या स्टोर है, जो हायर दो बिट नंबर होता है वो क्या है, एच में आपका क्या स्टोर है आपका 11, एल में क्या स्टोर है आपका 22, ठीक है। सिमिलरली आपका डी में क्या स्टोर होगा, जो हायर बिट होगा वो स्टोर होगा, डी में क्या हो जाएगा 67 और ई में क्या हो जाएगा आपका 57, ठीक है। तो क्या होता है कि एच वाला जो भी कंटेंट है वो किसमें किससे एक्सचेंज हो जाएगा, आपके डी से। तो देखो एच में क्या था आपका 1111 और डी में क्या था 67, तो क्या आ जाएगा यहां पे आपका 67 आ जाएगा और डी में क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो जो एल में जो भी कंटेंट है वो किसके साथ आपका एक्सचेंज हो जाएगा, ई के साथ आपका एक्सचेंज हो जाएगा। तो एल में क्या था आपका 22 और ई में क्या था आपका 57, तो 57 आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट, और 22 आपका यहां पे आ जाएगा, समझ गया। तो क्या किया कि इन दोनों दो जो रजिस्टर पेयर हैं एच एल और डी, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, जो भी डेटा था वो आपका एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका स्वाइपिंग हो रहा है, स्वाइप हो रहा है डेटा, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कंटेंट ऑफ डीई एंड एच एल रजिस्टर पेयर, राइट, समझ गए। तो बेसिकली अगर आपको इन दोनों के बीच में रजिस्टर के बीच में आपको कोई भी डेटा एक्सचेंज करना है, तो यू हैव टू सिंपली राइट एक्स सी एच जी, ठीक है, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, इसमें कोई भी ऑपरेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप स्टेटमेंट लिखते हो तो वो आपका ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इन दोनों रजिस्टर के बीच में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, यहां तक समझ में आ गया।